देवास के बोमाड़िया क्षेत्र में खड़ी जेसीबी में लगी आग। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। यह मामला रात में करीब 2 बजे का है, जिसके बाद नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जिले में राज्य शासन के निर्देश अनुसार आज से वृक्ष पौधारोपण अभियान की शुरुआत लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने माताजी की टेक के समीप बने दाल बाफले पॉइंट पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में की। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पांडे, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी, सीईओ जिला पंचायत शीतल पाथले, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, मनोज राजनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक गण उपस्थित थे। भैया बताएं किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया, क्या विशेष है? आज माता की इस पवित्र टेकरी के आसपास वृद्ध वृक्षारोपण हमारे जिला प्रशासन के साथियों के माध्यम से, वन विभाग के हमारे डीएफओ और तमाम विभाग के लोगों ने स्वप्रेरणा से ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में चिंता है कि जिस तरह पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हम सब की ड्यूटी उस पर्यावरण को ठीक करने की, उसे सुरक्षित रखने की है। तमाम सैकड़ों हजारों के लोग तादाद में यहाँ पे लोग हैं और ये प्रेरणा निश्चित रूप से आवश्यक है। हमारे मुखिया कमलनाथ जी केंद्र में इस विभाग के वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री रहे, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं सारे राजनेताओं को, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को कि अपने अपने जिलों में इतनी पुख्ता व्यवस्था कर लो कि सांस लेने में भी आनंद आए, इतनी स्वस्थ हवा हो जाए कि हमारा जीवन बढ़ जाए, कि वृक्षारोपण का एक वृद्ध प्रोग्राम आ जाए। देवास जिले में कितने पौधारोपण किया जाएगा? हजारों की तादाद में, हजारों हजार बिल्कुल सतत चलेगा। 10 दिन, एक माह तक सतत ये प्रोग्राम चलेगा और 1.25 लाख पौधे कम से कम, टारगेट 1.25 लाख है, इससे ज्यादा भी लगेंगे मैं ऐसा सोचता। भैया ये देखने में आता है कि पौधे तो लगा दिए जाते हैं लेकिन बाद में उनकी कोई सुरक्षा पर ध्यान नहीं देता, जिसके कारण वो खराब हो जाते हैं, इसकी सुरक्षा पुख्ता उसके लिए क्या करने जाए? प्रशासन मुस्तैद है, हर उन इलाकों में जहाँ वृक्षारोपण होगा एक एक दो दो लोगों की ड्यूटी रहेगी कि जब तक फल फूल ना जाए तब तक उनकी सुरक्षा का भार उन लोगों पर जवाबदेही के साथ रहेगा। इसकी मॉनिटरिंग भी होगी, हमारा प्रशासन मॉनिटरिंग भी करेगा। भैया जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए ही संदेश देना चाहूँगा कि यदि लंबे समय जीवन जीना है तो अपने आसपास के वातावरण को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपने भी हाथों से कुछ आहुति दें, ताकि पर्यावरण के लिए हम भी कुछ बोल सकें कि क्योंकि पर्यावरण के लिए हमने भी कुछ पौधे लगाए हैं, हमने भी कुछ पेड़ बड़े किए हैं, ताकि उनसे निकलने वाली हवा स्वस्थ रहे और हम प्रसन्न रहें। मध्य प्रदेश के सोनकच्छ की तहसील के भोरसा नगर में स्कूल जाती लड़कियों को परेशान करने वाले मजनू को गांव वालों ने जमकर पीट दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। इधर पुलिस ने 2 मजनुओं को गिरफ्तार कर लिया और कुल 6 पर मुकदमा कायम कर लिया। सोनकच्छ की तहसील के भोरसा नगर में स्थित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र कुलाला, सरवासी, सादीखेड़ा, बुदासा सहित आसपास से लड़कियां साइकिल से पढ़ने के लिए आती है। उन्हें पिछले कई दिनों से कुछ लड़के परेशान करते थे लेकिन लड़कियां इन्हें कई दिनों से सहन कर रही थी। युवकों ने लड़कियों की साइकिल को काट दिया जिससे लड़कियां वहां गिर गई। वहीं लड़कियों द्वारा बताया गया कि यह लड़कियों ने रोज गंदे गंदे कमेंट करते थे। लड़कियों के घर पर अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी और कहा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, जिस पर परिजनों ने कहा कि तुम स्कूल जाना और स्कूल से लौटते समय हम तालाब की पार शक्ति माता मंदिर के वहां बैठे रहेंगे और वहां से देखते हैं कौन लड़के तुम्हें परेशान करते हैं। परिजनों के कहे अनुसार आज लड़कियां स्कूल से छुट्टी के बाद शाम को अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में 4 लड़के उन्हें छोड़ने के लिए रोकने लगे, जिस पर वहां मौजूद परिजनों ने इनकी मजनुओं की जमकर पिटाई कर दी और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने जितेंद्र पिता नंद किशोर लोभी, संदीप पिता रमेश जाती बलाई, कुलदीप पिता अनिल, आदित्य पिंटू पिता दिलीप के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।